राम राम जी सारे ना होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। सो आज की वीडियो में बात करेंगे जो पीजी कॉलेजेस के एडमिशन है और पीजी यूनिवर्सिटी के एडमिशन है उनके बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भाई जिन्होंने पीजी में एमडी में एडमिशन के लिए फॉर्म भर रखा है, केयू के भर रखा, सीआरएसयू जीजेयू भर रखा, लेकिन उनको क्या है कि एक साथ में ये देखना है कि उनको अगर किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता तो कॉलेज में किस टाइप से आपका एडमिशन मिलेगा, किस टाइप से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, तो उन चीजों के बारे में वो पजल है। तो आज की वीडियो में इन दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे कि आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होगा और कॉलेज में कैसे होगा, क्योंकि मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी कि जो आपके एडमिशन है पीजी कोर्सेज के वो आपके मेरिट बेस पे होंगे ग्रेजुएशन के, लेकिन उसमें साथ में कंफर्म कर दिया था कि जो आपके किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है हरियाणा में उनके एडमिशन है वो आपके मेरिट बेस पे होंगे। तो सबसे पहला डाउट क्लियर करते हैं कि आपके एडमिशन कहां पे कैसे होंगे, कहां मेरिट लगेगी, कहां पे आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। जिन भी स्टूडेंट्स को किसी भी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एडमिशन लेना, ठीक है, जैसे एमडी यूनिवर्सिटी है उसका कैंपस में लेना है, केयूके के अंदर एडमिशन लेना है, सीआरएसयू जीजेयू ऐसी किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जिनके एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर किसी भी स्टूडेंट को एफिलेटेड कॉलेज में पीजी कोर्स करना, जैसे कि रोहतक में लगा लो, आपको एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर आपके जाट कॉलेज है, सारे के सारे कॉलेज है, ठीक है, निकी राम आईसी किशोरी सारे के सारे कॉलेज है वो आपके एमडी से एफिलेटेड है, तो इन कॉलेजों में एडमिशन लेना है किसी भी कॉलेज में तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, ठीक है, उसका भी एंट्रेंस होगा तो कैसे होगा, उनका एंट्रेंस नहीं होगा, उनकी मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है। किसी भी अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना चाहे यूजी में या फिर पीजी में, आपको मेरिट बेस के ऊपर एडमिशन होगा। अगर आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन लेना तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, ठीक है। अभी सिर्फ आपके एमडीयू के सीआरएसयू के जीजेयू के सबके फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके जब कॉलेज के नोटिस आएगा, कॉलेज में पीजी के एडमिशन हो शुरू हो गए, तो उस टाइम पे आपको वीडियो बना के बता देंगे। अभी आपका कॉलेज पीजी एडमिशंस का कोई अपडेट आया नहीं है, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को एमडी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है और उसके एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर चाहिए पिछले सालों के, 2-3 साल के आप हमारे पास अवेलेबल है, तो आपको जो यहाँ पे नंबर दिख रहा है इसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज करके पता कर सकते हो। 50 रुपीज उसका चार्ज रहने वाला है पर कोर्स के हिसाब से। सो आज की वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए आराम।